दोस्तों 2024 के अंदर CID 2 जो शुरू होने वाला था, अब वह कभी नहीं शुरू होगा क्योंकि CID की टीम बिखर चुकी है। CID ऑफिसर इंस्पेक्टर फेडी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है, जिसके बाद CID के न्यू एपिसोड हमें नहीं देखने को मिलेंगे। 200 पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर सालुंके और इंस्पेक्टर अभिजीत भी फ्रेडी की मौत पर वहां गए थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CID के ऑफिसर इंस्पेक्टर पूर्वी ने फ्रेडी की मौत के बारे में क्या कहा है। तो ये सब जानने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे इस चैनल पर 50,000 सब जल्दी कंप्लीट हो जाए। दोस्तों 5 दिसंबर के दिन सुबह 10:11 बजे इंस्पेक्टर फ्रेडी को हार्ट अटैक आया और उनको जल्दी से अस्पताल लेकर जाया गया। वहां पर वो थोड़ी देर जिंदा रहे, उसके बाद वो इस दुनिया से चल बसे, जिसके बाद बहुत से लोगों को और CID की पूरी टीम को यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इंस्पेक्टर फीसदी को कोई भी बीमारी नहीं थी और उनकी मौत ने अचानक सबको हैरान और परेशान कर दिया। दोस्तों जब इंस्पेक्टर पूर्वी फ्रेडी के घर वालों से मिलकर बाहर आई, तो किसी ने उनसे इंटरव्यू लिया कि आप उनकी मौत के बारे में क्या कहेंगी, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, क्योंकि हमने CID में 23 साल से ज्यादा इकट्ठे काम किया और अब CID 2 भी आने वाला था, जिसमें हम सारे कास्ट थे। दोस्तों हमारे आज के वीडियो बस यही देखती आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।